कहीं न कहीं देश की विभाजन के समय थोड़ी यदि हम लोगों ने सावधानी बरती होती तो 4-5 किलोमीटर का फासला कोई बड़ा फासला नहीं था मित्रों, वो अभी भारत के अंदर ही होगा। थोड़ी सी सावधानी यदि बरती होती थोड़ी सी सुनिश्चितता भी हमने बच जाए। छोड़ने का जो उनका स्थान है यहां पर उन्होंने शरीर छोड़ा था और करतारपुर साहब दोनों भारत में नहीं है, दोनों भारत में नहीं। और करतार साहब को तो 4-5 किलोमीटर की दूरी है, गलियारा बन गया है। कहीं न कहीं देश की विभाजन के समय थोड़ी यदि हम लोगों ने सावधानी बरती होती तो 4-5 किलोमीटर का फासला कोई बड़ा फासला नहीं था मित्रों, वो अभी भारत के अंदर ही होगा। थोड़ी सी सावधानी यदि बरती होती थोड़ी सी सुनिश्चितता भी हमने बच जाए और भारत में होता। कहने में कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि खालिस्तान होना तो मैं खालिस्तान, अरे मेरे सिख नौजवानों खालिस्तान की बात क्यों करते हो, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा है। ईमानदारी की बात यह है कि मैं भूल गया था कि आज मुझे कार्यक्रम में शिरकत था, मुझे कल याद दिलाया गया तब मैंने अपने सहयोगी प्रभात त्रिपाठी को कल टेलीफोन किया। मैंने कहा हमारी कोई तैयारी नहीं है, क्या बोलेंगे। तो एक बार मैं सोच रहा था कि कभी कभी नेता लोग यदि तैयार नहीं रहते हैं तो कार्यक्रमों को स्किप कर जाते हैं। तो मैंने कहा अन्य कोई कार्यक्रम होता तो मैं स्किप कर जाता, लेकिन रहने वालों मैं तहे दिल कहना चाहता हूं मैं सिख समाज के कार्यक्रम को कभी स्किप नहीं करता।